बात करो, 40,000 रुपये रख दिए थे एक बार मुंबई से आए थे। 40,000 रुपये वहाँ हमारे एंट्री काउंटर पर रख दिए थे। है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, जो कि यूट्यूबर भी है और साथ में अभी मेरे नए नए दोस्त भी बने हैं, तो उनसे ही मिलेंगे। आज मैं दो जनों से मिल रहा हूँ, तो दोनों को चीज़ मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहना। कौन यूट्यूबर है, वो क्या करते हैं, कौन सा चैनल चलाते हैं, सारी चीज़ें आपको उसी के अंदर पता चलेंगी। और ये रहा मेरा कुछ इस तरीके का आउटफिट। ये टी शर्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने ली थी, मैंने ऑनलाइन बुलाई थी ये सारी टी शर्ट्स। और ये जो जीन्स थी ये भी मैंने मॉल से ली थी, डीबी मॉल से, भोपाल से, आपको बताया था। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, मैं उधर ही जा रहा हूँ अभी। मैंने मेरे सारे इक्विपमेंट्स ले लिए हैं शूट करने के लिए, तो वहाँ हम शूट भी करेंगे और साथ में हम मिलेंगे भी। तो बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि न्यू लोग आज फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और वो कौन है उनको आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए तभी मैं आपको बताऊँगा। तो आप अगर पहले जानते होंगे तो नीचे कमेंट्स कर देना, अगर आपको कुछ अंदाज़ा है तो, वरना आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये व्लॉग। तो चलो जल्दी चल के मिलते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ जाने के लिए, और मेरे साथ जो एक और है हम दोनों मिलके जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। तो दोस्तों वो मैं उनके पास ही जा रहा हूँ क्योंकि हम आउटर में मिल रहे हैं थोड़ा, तो वहाँ से हम दोनों साथ में मिल के फिर जाएंगे। और आप व्लॉग में बने रहिए सभी लोग। तो दोस्तों सामने ये चल रही है रैली, 15 अगस्त की रैली चल रही है ये, और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी अभी हम आ चुके हैं शनवारा के पास, और ये चल रही है यहाँ पे रैली, वो देखिए अब सामने। दोस्तों लोकेशन पे मैं पहुँच चुका हूँ, जो मेरे साथ एक और भाई है वो आ रहे हैं, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ये SBI के पास। तो वो भाई बस 5 मिनट में आ रहे हैं, फिर हम जाएँगे। और दोस्तों ये है हमारे इधर का ऐतिहासिक जगह जो मुग़ल टाइम से है। ये जो वॉल देख रहे हैं आप, ये मुग़ल टाइम से है और ये बहुत दूर तक है। और वो सामने आप देख रहे हैं शनवारा गेट, वो भी काफ़ी टाइम से है, मतलब पहले इस बुरहानपुर सिटी में 5 गेट हुआ करते थे, 5 या 7, जिनको पहले बंद कर देते थे तो कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता था। ये वही उसमें से एक गेट ही है, और 6 और है, तो वो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊँगा। फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे हैं उधर, और ये देख लीजिए आप, अभी हम मैं खड़ा हूँ बिल्कुल हाईवे पे। ये हमारे नीलेश भाई आ चुके यूट्यूबर नमस्ते भैया, और ये हमारे दूसरे भाई। तो दोस्तों मैंने जिनको आपको जो बताया था कि मैं जो दो यूट्यूबर से मिलने वाला हूँ, ये दो भाई है, ये अपने नीलेश भाई है, इनको आप जानते होंगे, और ये अपने विराज भाई है। विराज भाई को तो सभी लोग जानते होंगे, सब लोग कौन जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे, देखते हैं हमको ऊपर परमिशन मिलती है क्या, तो हम ऊपर विजिट करेंगे, तो आपको शॉर्ट दिखाएंगे। और नीलेश भाई क्या बोले, अब नीलेश भाई के बारे में, विराज भाई हमसे अभी अभी जुड़े हैं यार, अभी अभी जुड़े, लेकिन अब भैया आगे और प्लान करेंगे कुछ अच्छा। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की होगी फिर प्लान करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स दिखेंगे आपको। और विराज भाई इसलिए आए हमारे साथ, हमने इनको इसलिए लेके आए हैं, तो ठीक है ब्लॉग में बने रहिए। तो ये रहे विराज भाई और ये रहे सौरभ भाई, इनके ब्लॉग तो आपने काफ़ी देखे होंगे, और विराज भाई के भी ब्लॉग काफ़ी देखे होंगे क्योंकि ज़्यादातर इनके मोटो ब्लॉग आते हैं। और मैं तो इनको मतलब एक तकरीबन 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और आप लोग ने भी अभी तक इनको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आते हैं इनके, मोटो ब्लॉग। नॉर्मल ब्लॉग भी करता हूँ मैं, नॉर्मल ब्लॉग भी करता हूँ, नॉर्मल ब्लॉग भी आते हैं, विराज ब्लॉग्स करके नाम से चैनल है। और सौरभ भाई को तो जानते होंगे, सौरभ टंडन ब्लॉग्स के नाम से। और कैसे क्या भाई साहब, आने की तकलीफ? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। रोड कैसा लगा हमको? एकदम उल्लू भरा है, उल्लू भरा है, हम यहाँ पे खड़ा करते हैं शूटिंग कर रहे, पीछे से थोड़ा सा प्रैंक किया मैंने इनके, प्रैंक कर रहे, प्रैंक। ठीक है तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, मजा नहीं आता ऑडियंस में बोलती क्या पागल वागल हो गए कहीं, ऐसी बात है। बने रहना, बहुत मजा आएगा, अभी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं हम लोग।
दोस्तों अभी हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि नीलेश भाई हमारे हैं यहाँ पे, तो हमको परमिशन मिल चुकी है जाने की, तो उस वजह से हम जा रहे हैं। और ये देखिए ये बीच में यहाँ पे ये आ गया है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, व्लॉग में बने रहिए। और हमारे पीछे विराज भाई आ रहे हैं अपने, मतलब यही है कि व्लॉग्स बनाते ना आप कभी कि ऊपर जाने वाला रास्ता। तो दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है यहाँ पे, इस वजह से अभी किला बंद है, फोर्ट बंद करके रखा है, क्योंकि अभी बीच में यहाँ पे थोड़े इंसिडेंट भी हो गए थे, एक्सीडेंट वगैरह सब हो गए थे, तो कुछ लोग घायल भी है अभी भी, उस वजह से पूरा किला बंद करके रखा है। और बहुत ही जंगल वाला रास्ता है यार इधर तो, अरे बाप क्या पता मतलब आपको अभी। और विराज भाई हमारे पीछे छूट चुके हैं। और दोस्तों लोकेशन देखो यार, लोकेशन क्या लोकेशन है भाई, मज़ा आ जाएगा आज के ब्लॉग में। ऐसा कितना है गाड़ी गाड़ी से, हाँ गाड़ी से कितना है ऐसा? 4.5 किलोमीटर है। दोस्तों रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ का, इस वजह से ही बंद करके रखा है। अभी इसका पूरा रिन्यू करेंगे इसको, उसके बाद ही मतलब बरसात बाद ही इसको चालू करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों रास्ता, दोस्तों ये देखो ये होता है, ये बीच से रास्ता देखो पूरा टूट चुका है पूरा नीचे तक, ये देखिए ये देखिए ये वाला, ये पूरा टूट चुका है यहाँ से। बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए दोस्तों ये पूरा टूट चुका है यहाँ से, ये पूरा ऐसा आ रहा है और ये सीधा नीचे यहाँ से पूरा पेड़ वेड़ सब नीचे चलेगा यहाँ से, इसलिए इसको बंद करके रखा है। तो ये है कि मतलब पीछे किसी बाइक वाले ने देख लिया था, और नहीं देखता तो सब मर जाते हैं भाई, वो उतना अंदर कौन देख रहा है भाई, ना आप देखो नहीं दिख रहा है यहाँ से इतना अंदर। यार वो एकदम खाई के अंदर थी, अरे वो पूरा रास्ता पूरी जमीन ही सफा कर दिया, इतना खतरनाक मलबा आ रहा ऊपर से। तो दोस्तों मेन रीजन ये था ये फोर्ट बंद करने का, क्योंकि यहाँ पे जो वैन थी ना उस समय बारिश बहुत हो रही थी, और बारिश के कारण वो वैन पूरी नीचे गिर गई थी, जिसमें से बहुत सारे लोग थे जो घायल हो गए थे और कुछ इंसिडेंट भी हुए थे। तो ये देख सकते हो आप, ये पूरा ये जो पूरा एरिया है ये पूरा नीचे तक गया है, और पूरा खाई में गिर गई थी वो वैन, तो इस वजह से इसको बंद कर दिया कि आगे और इंसिडेंट ना बढ़े। तो और काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत आते भी हैं अभी भी, तो उनको मना कर देता है ऊपर जाने से, क्योंकि चलो ऊपर और ये बड़े टर्न पर रुकते ना। तो उसने बोला ड्रोन में उड़ाना ऐसा वैसा, बोला तो दिमाग खराब हो गया मेरा, गया झांझा भी उड़ाया फिर मैंने, नहीं उड़ाने दिया। और फिर उस दिन मैं तुमसे मिला, फिर मैंने बोला आज मौसम अच्छा दिख रहा है मेरे को, तुम्हारा छोटा ड्रोन था ना इसीलिए। फिर भी वो उधर वो पोंगे बेचने वाला बैठा था, वो बोलता उड़ाना मत वहाँ पे, वो चिल्लाएगा, मैंने बोला उधर कौन उड़ा रहा, मैं बाहर उड़ा रहा हूँ देखो। नहीं नहीं अरे तुम बात करो, 40,000 रुपये रख दिए थे एक बार मुंबई से आए थे, 40,000 रुपये वहाँ हमारा एंट्री काउंटर पर रख दिए थे, तो तुम्हारे तुम आपस में निपट लेना और तुम्हारे अधिकारी को, उनका 2 लाख का लॉस हुआ था उस दिन। कैसे मतलब इतने महंगे महंगे मूवी वाले कैमरे, वो चलने वाले कैमरे में, नहीं तो 2 लाख का लॉस कैसे होना, मतलब पूरे उनके जो पूरा मतलब उन्होंने ये सोचा था कि वो बहुत बड़ी हस्ती है, शूट लेंगे शूट लेंगे, तो उनकी विधायक से पकड़ दी, सांसद से पकड़ दी, हर किसी से पकड़ दी, उन्होंने क्या परमिशन लेना, सही है, जब उनको पता है कि परमिशन हर जगह लगती है वो लगती है, और उन्होंने सोचा गया कौन परमिशन लेगा, अभी विधायक को फोन करूंगा तुरंत काम हो जाएगा, अब वो साला हुआ ही नहीं। और वो पूरे कैमरा मैन मतलब एक जो 2 गाड़ी थी, एक क्रूजर और एक पिकअप जैसी थी, उसमें तो टोटल कैमरे ही भरे हुए थे, और ये बड़े बड़े कैमरे वो चलने वाली सीढ़ी लगाई जैसे दिखाने के लिए पूरा सेटअप बना कर लिया है, और आखिर में परमिशन ही नहीं मिली, वो एक्टर जो थी वो तैयार होकर वैसी की वैसी बैठी रही, अरे कुछ भी नहीं हुआ, बोले कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ भाई, वो कैमरा मैन तो
तो दोस्तों अभी हम ड्रोन शॉट ले रहे हैं, विराज भाई उसका सेटअप जमा रहे हैं, और यहाँ से बहुत अच्छे सीन आएंगे क्योंकि पूरा एकदम ऊपर है, ये पूरा एकदम चोटी पे बसा हुआ है। अब इसके ऊपर और है लेकिन यहाँ से क्या ऊपर परमिशन नहीं है ड्रोन उड़ाने की, तो इसलिए हम यहीं से उड़ा रहे हैं। और इस ये वाला जो सीन है ना, ये वाला सीन बहुत अच्छा है क्योंकि और इस जगह पूरी पहाड़ी है, मतलब पूरा नीचे का दिखता है यहाँ से, इसलिए हम यहाँ से ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो हो चुका है तैयार, बस अब उड़ेगा तो हम उसको शॉट लेंगे और फिर आप इंजॉय करिए ब्लॉग को। ड्रोन की पब्लिसिटी हो रही है यहाँ पे, तो दूर रहना हो थोड़ा। दोस्तों ये जो शॉट है ये पूरा ड्रोन से लिया गया है और काफ़ी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, हमको ही देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो वीडियो है ना, ये आधा पार्ट है, इसका आधा पार्ट मैं अभी नेक्स्ट इसमें डालूंगा, तो उसको भी इन्जॉय करना क्योंकि व्लॉग हमारा काफ़ी बड़ा बना है और एक ही चीज़ में पूरे वीडियो में डाल देता तो आप देखते नहीं हो और वो वीडियो में उतना मज़ा भी नहीं आता, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी आगे के शॉट्स आपको नेक्स्ट मेरे व्लॉग में दिखेंगे, इसको मैंने आधा शूट किया है, जो हमने आधे जगह तक आ गए थे वहाँ तक हमने शूट किया है, तो आधा पार्ट आप नेक्स्ट इसमें एंजॉय करना। तब तक के लिए बाय बाय।